निकाय चुनाव का असर एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी पर देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव में मतदान के दिन जहां ओपीडी की छुट्टी रही, उसके बाद शुक्रवार को ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दिखी, जबकि ओपीडी का समय भी आधा किया गया, जिसमें 1700 से अधिक मरीजों ने परामर्श लिया। निकाय चुनाव का असर एसएन मेडिकल जो कॉलेज की ओपीडी उस पर भी पड़ा है, क्योंकि जिस दिन आगरा में जब मतदान था, यहाँ पर ओपीडी को बंद रखा गया था, सारी इमरजेंसी सर्विसेज खोली गई थी। उसके बाद अगले दिन जैसे ही ओपीडी यहाँ पर खुली, तो यहाँ पर मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर ओपीडी का हाफ डे होने के बाद भी 1700 से अधिक यहाँ मरीज परामर्श लेने के लिए यहाँ पर है। राणा साहब हमारे साथ में, राणा जी बताएं किस तरह की, जो चुनाव के बाद अक्सर देखते हैं कि भीड़ बढ़ जाती है, और जबकि आज हाफ डे है, क्या असर रहा आज? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कल मतदान दिवस था, सभी लोगों ने मतदान मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ बायरोग विभाग कल बंद रहा, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, और आज गेस्टेड हॉलीडे है, बुद्ध पूर्णिमा है, उसके दृष्टिगत भी मरीजों की संख्या उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो वायरल का चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, और स्किन की एलर्जीज वगैरह, इसके भी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा संख्या अधिक रही है पेशेंट की। और क्या, अच्छा ये बताएं कि जैसे कि लगातार मौसम देख रहे हैं बदल रहा है, गर्मी गर्मी, बारिश, अभी अब कल ही कितने मौसम अच्छा था और आज धूप निकल आई। जी ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें जो मौसम का जो बदलाव होता है, एलर्जिक सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको अटैक टाइप रहता है, अस्थमेटिक पेशेंट हो गए, एलर्जिक जो स्किन एलर्जीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अब ये मई चल रहा है, मई में जो गर्मी होनी चाहिए उस हिसाब से गर्मी नहीं है, किसी दिन गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, किसी दिन ठंडा मौसम हो जाएगा, तो ये बदलाव होता है मौसम का, उसका शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, और एलर्जिक जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उपाध्याय जी आप बताएं कैसा, जो मरीजों का जो भीड़ बढ़ी है, वो जो मौसम बदलने के बाद कैसे मरीज आ रहे हैं सबसे ज़्यादा? इस समय सर्दी खांसी जुकाम बुखार का मरीज़ ज़्यादा आ रहा है, और मेडिसिन के डिपार्टमेंट में मरीजों की ज़्यादा भीड़ है, और बारिश में हुई बीच में उसमें लोग अब भीग गए कुछ लोग, उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया। दूसरी बात है कि लोग कूलर चला के सोते हैं, पानी चल रहा कूलर में, रात में ठंड हो जाती है, उसकी वजह से लोगों को बुखार जुकाम खांसी हो रहा है। और मैं आगरा के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कूलर को पानी को समय समय पर बदलते रहें, जिससे मच्छर पैदा ना हो। मच्छर बहुत हो गए, आने वाले समय में मच्छरों से बीमारियाँ हैं, वो भी पैदा आने की संभावना है, तो आगरा की जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कि कूलर के पानी को छत पर जहाँ भी पानी भरा हुआ है उस पानी को निकालते रहें, और साफ पानी कूलर में भरते रहें। देखा कल छुट्टी थी और आज हाफ डे था, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जो मरीजों को इस पर जो? हाँ इससे फ़र्क पड़ता है, कल छुट्टी थी, इलेक्शन की वजह से कल छुट्टी थी, और उसकी वजह से आज थोड़े से मरीज ज़्यादा आए हैं, और उतने मरीज नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। जो 2500-3000 की रोज़ाना ओपीडी होती है उससे तो मरीज कम है, लेकिन फिर भी मरीज आज भी हाफ डे है, हाफ डे के बाद भी मरीज अच्छी संख्या में आज मेडिकल कॉलेज में आए हैं। मौसम का जो फ़र्क है वो लगातार ओपीडी में देखने को मिल रहा है, 1700 से अधिक ऐसे मरीज यहाँ पर आए जबकि यहाँ पर हाफ डे है, हाफ डे के बावजूद भी 1700 मरीज यहाँ पर हैं जो मौसम के बदलते होने की वजह से यहाँ पर बीमार होकर आ रहे हैं, चाहे वो जॉइंट्स पेन की समस्या हो, चाहे सर्दी खांसी की समस्या हो, या अस्थमा की मरीज हो, और चाहे वो मरीज जो मौसम बदलने की वजह से यहाँ पर आते हैं। कैमरा मैन राजीव के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।